हम निकल चुके हैं लाहौर के लिए, अल्लाह का करम है। आईजी इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की रोकने की, 3 घंटे में रोका छोड़ा कि जी बड़ा डेंजरस है। तो जब सड़क पर निकले पाए, हमने जोर लगा के उसे कहा कि हम सारे, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि तुम ये किडनैप कर रहे हो, हमें जबरदस्ती रोक रहे हो। फिर उसकी प्रेशर के ऊपर उसे छोड़ा, और अब जब हम निकले तो खाली पड़ी थी सड़कें, कोई किसी किस्म का खतरा नहीं था। और अब मैं इंशाल्लाह अगले 3 घंटे तक लाहौर पहुंचूंगा, और मैं जो लोग रास्ते में खड़े थे जो इस्तकबाल के लिए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हम निकल चुके हैं लाहौर के लिए, अल्लाह का करम है। आईजी इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की रोकने की, 3 घंटे में रोका छोड़ा कि जी बड़ा डेंजरस है। तो जब सड़क पर निकले पाए, हमने जोर लगा के उसे कहा कि हम सारे, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि तुम ये किडनैप कर रहे हो, हमें जबरदस्ती रोक रहे हो। फिर उसकी प्रेशर के ऊपर उसने छोड़ा, और अब जब हम निकले तो खाली पड़ी थी सड़कें, कोई किसी किस्म का खतरा नहीं था। और अब मैं इंशाल्लाह अगले 3 घंटे तक लाहौर पहुंचूंगा, और मैं जो लोग रास्ते में खड़े थे जो इस्तकबाल के लिए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब बात कर लो, कोई पेनाल्टी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहां रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहा है। कभी कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं। मैं आज सारी कौम को कह रहा हूं कि अदालत ने मुझे हर जगह बेल दे दी, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, मैं आजाद हूं। उसके बावजूद इन्होंने मुझे यहां किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं सारी कौम को आज ये बताना चाहता हूं कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए कि एक, जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही खत्म हो गई है, तो अवाम को पुरमन एहतजाज करना चाहिए, नहीं तो हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। आप जब आईन की भी कोई परवाह ना हो, जब कानून की भी परवाह ना हो, जो ताकतवर हो, जो मर्जी चाहे, कि अदालत ने फैसला कर दिया कि मैं आजाद हूं, 3 जजेस ने हाईकोर्ट के फैसला किया है, उसके बावजूद मुझे यहां रोका हुआ इन्होंने पिछले 3 घंटे से। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूं, आप पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। जजेस गेट से निकाला गया है और गाड़ी में बिठा दिया गया है। तमाम अरेंजमेंट उसने किए गए थे जहाँ पे मीडिया लगा हुआ है, लेकिन उनको जजेस के गेट से, जजेस के दरवाजे से निकाला गया है और गाड़ियों में बिठा दिया। उनको इस वक्त दूसरी गेट थी, बहुत जजेस गेट से निकाला गया है और गाड़ी में बिठा दिया गया है। तमाम अरेंजमेंट उसने किए गए थे जहाँ पे मीडिया लगा हुआ है, लेकिन उनको जजेस के गेट से, जजेस के दरवाजे से निकाला गया है और गाड़ियों में बिठा दिया। उनको इस वक्त दूसरी गेट थी, बहुत पता नहीं, मैं दूसरे गेट में निकला।